चर्चा हो सकती है। बेटा जिन्ना को मैं कहता बस वो बाहर होंदा इत्थे गुरु घर च नहीं। बाकी मुलाकात तो मुलाकात मुलाकात बाद गल बात की जा सकती है। बाबू है जो मामले च कोई एक अपील की जा सकती है। हां जी जी बेटा विचार थी बेटा बेटा जेडी गल मैं थानू कहती भी गुरु घर मत्था टेकण आया सिंह साहब नू सत्कार भेट करन आया इन्ना ही मकसद है। एजेंडा थोड़ा जिहा दस दियो पुंदर साहब एजेंडा थोड़ा जिहा दस दियो एक्सप्लेन बाद च कर दियो। मैं कहना एजेंडा कोई नहीं घट्टो घट मैं जो कह रहा मेरे लफ्ज यही ने इस बाद जो कोई एजेंडे की गल हो थोड़ा चीमा जी बाद दस देंगे। मेरी बेनती है इस जगह च जो गल जिन्ना चिर असि मत्था नहीं टिकता तो सिंह साहब जो असि सत्कार नहीं भेट करते उन्ना चिर कोई गल नहीं उदू बाद खा लियो शो कह दें बिलकुल मत्था किसी वेले भी जो टाइम मिले गुरु घर आ जाओ करम वाला टाइम होंदा सुबह शाम का 24 घंटे मत्था टेकने वाला स्थान है कोई मजबूरी नहीं इतने मत्था टेकना धन है गुरु ग्रंथ साहब जो मत्था टेकन लिया शुक्र है जो इतने लेके आ इस करके मैं इस तो इधर उधर कोई नहीं जाना तुसी कोई वर्किंग प्रधान का मतलब नहीं कि बोली ही जाए नहीं कोई जिमनी चोना ना ओ दा मतलब है कि जिन्ना घट बोले उन्ना चंगा है मैं उस टाइप का बंदा बलविंदर सिंह पुंदड़ जिन्ना ने कहा कि सिर्फ दर्शन करन दे लई नमस्कार करन दे लई सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जिथे श्री अकाल तख्त साहब नूं नमस्कार करन दे लई पहुंचे क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब श्री मंदिर साहब विखे नतमस्तक होने लई आए सन तो अजिहे च यह जरूरी सी कि सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह नाल मुलाकात